गाइज, वैसे तो चाइना नकली सामान बनाने में एक्सपर्ट है ही, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल कॉलेज में पढ़ने वाली ये लड़की, जिसने एक नहीं बल्कि पूरे 20 बॉयफ्रेंड्स बनाए और सभी से एक एक आईफोन गिफ्ट में मांगे, और अब उनके पास पूरे 20 आईफोन हो चुके थे, जिसके बाद इसने उन आईफोन को करीब 12,23,000 में बेचकर सारे पैसों से अपने लिए एक घर खरीद लिया। जिसके बाद इस लड़की का आइडिया चाइना में खूब वायरल हुआ, जिसके चलते लोगों ने इस लड़की की खूब तारीफें की और उनके बॉयफ्रेंड्स को बेवकूफ बताया। चूतिया बनाया तुमको। ये है कर्नाटका के रहने वाले 30 साल के पकीरप्पा हुनाकुंडी। और जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, वैसे ये दिन में 3 से 4 बार पत्थर और ईंट खा जाते हैं। जी हाँ, और ये दिन में 2 से 3 केजी कंकर और पत्थर खा जाते हैं। बता दे, पकीरप्पा जब 10 साल के थे तब से उन्होंने ये खाना शुरू किया और आज 20 साल हो चुके हैं उन्हें ये सब खाते हुए। वही डॉक्टरों का ये कहना है कि पिका नाम की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान उन्हीं चीजों को खाना पसंद करते हैं जो खाने के लिए ना बनी हो। गले में टायर को डाले हुए ये बारहसिंगा अमेरिका के कोलोराडो के पहाड़ियों में रहता था और लगभग 2 सालों से अपने गले में इस टायर को डालकर ऐसे ही घूम रहा था, जिसके बाद कुछ अधिकारियों की नज़र इसके ऊपर गई, जिन्होंने इसकी मदद करने के लिए सबसे पहले इस बारहसिंगे को पकड़कर बेहोश किया और ना चाहते हुए भी अधिकारियों को इसके सिंग को काटना ही पड़ा, क्योंकि टायर में स्टील होने के कारण वो उसे काट नहीं पा रहे थे। और आखिरकार अब ये बारहसिंगा पूरी तरह से आजाद है। इन अधिकारियों के लिए तो एक लाइक बनता है क्यों दोस्तों।